नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नए टॉपिक इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको 60 में ईआर भी कहते हैं। ईआर, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर प्रद्रव्यी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी किया था पोर्टर ने, पोर्टर ने इसकी खोज किया था। बेटा ये भी डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अभी तक हम सिंगल मेम्ब्रेन में केवल एक लाइसोसोम बताया था, अभी आपको बताएंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और ये सेल को फ्रेम प्रदान करती है, फ्रेम ऑफ सेल बोलते हैं इसको। फ्रेम मतलब सेल को एक ढांचा प्रदान करती है, ठीक है, फ्रेम ऑफ सेल बोलते हैं इसको। इंडो स्केल्टन ऑफ सेल बोलते हैं, इंडो स्केल्टन ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका का स्केल्टन, कोशिका की इसको बोलते हैं इंडो स्केल्टन ऑफ सेल, कोशिका का इंडो स्केल्टन बोलते हैं। कंकाल तंत्र इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल क्या है, फ्रेम ऑफ सेल कौन सा, किस ऑर्गेनेल को फ्रेम ऑफ सेल बोलते हैं, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, और हेल्प इन, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सहायता करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय राइबोसोम। दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में अंतर है। प्रोटीन एक होता है सहायता करना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन सिंथेसिस करना राइबोसोम। अब आप चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये कोशिका है, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये कोशिका है, ये सेल वॉल थी, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको बोले थे, क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों साइड में किसी भी ओर थैली नुमा संरचना पाई जाती है, सिस्टर्निला संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है हमारा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियर स्टार्ट कहां से होती है, स्टार्टेड फ्रॉम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन पूछा गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से स्टार्ट करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरह से ये क्या करती है, इसे ऐसे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली रहती है, इधर भी। तो ये क्या करते है, प्लेट सेल को एक सपोर्ट देती है, अंदर से सपोर्ट देती है, फ्रेम देती है। इससे डिसाइड होता है जिधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, मान लीजिए इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है तो सेल की लंबाई इधर की तरफ ज्यादा होगी, इधर ज्यादा हुआ तो सेल की लंबाई इधर की तरफ ज्यादा होगी, चौड़ाई इधर की तरफ ज्यादा होगी। तो क्या करती है, फ्रेम ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं, और चूंकि
सेल को ये सपोर्ट दे रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, अंदर की तरफ सपोर्ट दे रही है इसलिए बोलते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, सेल के अंदर का कंकाल तंत्र। इतनी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब इस सिस्टम ने थैलेमा संरचना पर असंख्य दाने जैसी संरचना पाई जाती, न्यूमरस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और ये इसलिए फोल्डेड होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राइबोसोम इसमें आ जाए। इनका फोल्ड जो है, ये फोल्ड ये इसलिए ज्यादा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम इतना होता है कि होल्ड राइबोसोम, राइबोसोम को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे, जिससे सेल प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करे। इसीलिए फोल्डेड होते हैं, इसीलिए ये फोल्डेड होते हैं क्योंकि यहाँ राइबोसोम राइबोसोम की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे प्रोटीन का निर्माण ज्यादा मात्रा में हो, तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प सहायता करते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस फॉर मोर प्रोटीन सिंथेसिस, मोर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन पूछा गया है दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में का क्या कार्य होता है, ये तो सहायता करते हैं, इसको स्पेस देते हैं, दूसरा ये इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आस के ऊपर ये आपको संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ये क्या राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम के दाने पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये क्या खुरदरे दिख रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी बोलते हैं खुरदरे इंडोप्लाज्मिक अंतःपरदब्बई जालिका, इस वाले को बोलेंगे रफ। और ये इस पे नहीं पाया जा रहा है इंडोप्लाज्मिक, इस पे राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चूंकि इस पे राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें क्या होता है राइबोसोम एब्सेंट, जिसके कारण स्मूथ हो गए हैं। एब्सेंट और ये हेल्प, जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात हेल्प करेंगे प्रोटीन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि RER किसमें हेल्प करते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट है इसके कारण प्रोटीन में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और SER किसमें हेल्प करते हैं, लिपिड सिंथेसिस में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज
हमारी वीडियो को लाइक करें, ग्रुपों में बांटे, सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है। थैंक यू। जय हिंद।